नमस्कार मित्रों, एरिसेट लाइव लेक्चर्स में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मनस दर्शन में जिस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं वो सुपरवीनियन सिद्धांत। सुपरवीनियन सिद्धांत पर ये दूसरी परिचर्चा होगी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर अजय वर्मा। डॉक्टर वर्मा एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर फिलोसफी स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज JNU में। आइए डॉक्टर वर्मा का स्वागत करें और उनसे जानें कि आज वो इस विषय में हमें क्या बताएंगे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, हम इस श्रृंखला के अंतर्गत हम मनस दर्शन के विषय में बात करते रहे। मनस दर्शन से हमारा तात्पर्य ये है कि जो मेन इशू है, जो मेन जो प्रॉब्लमेटिक है, वो ये वह यह है कि मेंटल स्टेट्स या जो मानसिक अवस्थाएं होती हैं उनको किस प्रकार से समझा जाए, उनका स्वरूप क्या होता है, तथा क्योंकि वे एक भौतिक अवस्था में जन्म लेती हैं, क्योंकि वे हमारे शरीर उनका उदय होता है, तो हमें यह संबंध भी समझाना होगा कि किस प्रकार से जो जो हमारी मानसिक अवस्थाएं होती हैं वो किस प्रकार हमारे जो भौतिक अवस्थाएं हैं, अर्थात जो हमारे जो शारीरिक अवस्थाएं हैं जिसमें मस्तिष्क भी एक हिस्सा है, वे उस उन अवस्थाओं से, उन भौतिक अवस्थाओं से किस प्रकार से जुड़ी होती हैं, तथा किस प्रकार से इन दोनों स्फेयर्स, इन दोनों अलग अलग प्रकार की अवस्थाओं के बीच में किस प्रकार से समन्वय संभव हो पाता है। इस विषय में हमने पहले ही जाना कि जो एक दो प्रमुख जो दिशाएं हैं इसको समझाने की, वह हैं एक तो प्रत्ययवाद, जिसमें हम जो जितनी भी जिसको हम भौतिक अवस्थाएं कहते हैं, जिसको हम भौतिक वस्तुएं कहते हैं, उनके भौतिक स्वरूप की जब हम बात करते हैं, तो प्रत्ययवाद के अंतर्गत हम उन सभी जो 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 एक सो टू स्पीक भौतिकता है विश्व की, उसको हम उसका अपचय हम कर देते हैं प्रत्ययों में। इसका अर्थ ये है कि जैसा कि हम इस विषय में पहले ही बात कर चुके हैं कि इसका अर्थ मेनली ये है कि हम जिसको कि हम भौतिक कह रहे हैं उसको भी हम प्रत्ययों के रूप में समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे बहुत सी जो भौतिक गुणधर्म हैं जिनको कि हम जनरली ये मान करके चलते हैं कि वे स्वतंत्र रूप से बाह्य जगत में स्थित हैं, जैसे कि वस्तु के डायमेंशंस, उसके लेंथ, ब्रेथ और जनरली प्रायः हम ये मानते हैं कि कलर इत्यादि, ये सभी जो हैं कुछ भौतिक गुणधर्म हैं जो कि वस्तु में परिस्थित होते हैं। लॉक ने हालांकि इस दिशा में हमें सर्वप्रथम उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज़ के बीच में डिफरेंस स्थापित किया, जिनके जो कि उनके अनुसार कुछ प्रॉपर्टीज़, जो कुछ गुणधर्म जो वस्तु के हैं वे वस्तु के अंदर ही निहित होते हैं, तथा कुछ अन्य गुणधर्म जो होते हैं वे सब्जेक्ट सापेक्ष होते हैं, अर्थात जो दर्शक है, जो व्यक्ति उस वस्तु को का प्रत्यक्ष कर रहा है उसके सापेक्ष होते हैं, जिसमें कि जो फिजिकल डायमेंशन से किसी वस्तु के वो उस वस्तु में ही परिस्थित होते हैं, जबकि बहुत सी अन्य जो जो क्वालिटीज़ हैं जैसे कि रंग इत्यादि, वे जो हैं सब्जेक्ट डिपेंडेंट होती हैं। तो लेकिन जो हम यहाँ जानना चाहते हैं वह यह है कि जो अपचय द्वारा हम कुछ या तो हम कुछ जो जो प्रत्यय हैं उनको 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 भौतिक किसी भौतिक स्वरूप में उनका अपचय कर सकते हैं, या हम उसका बिल्कुल रिवर्स, इसका बिल्कुल उल्टा,
हम कुछ जिसको हम भौतिकता कहते हैं विश्व की, उसका अपचय हम प्रत्ययों में कर सकते हैं। अर्थात जिसको कि हम जैसे कि माने, जैसे हम मानते हैं कि कोई वस्तु यदि हमें ठोस प्रतीत हो रही है तो वह स्वतंत्र रूप से इस जगत में विद्यमान है। वह आवश्यक नहीं है कि वह हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना पर उसका अस्तित्व निर्भर हो। तो हम प्राय मानते हैं कि जो वस्तु, जो विश्व में जितनी वस्तु हैं, विश्व बाय एंड लार्ज, उसकी एक अपनी स्वतंत्र सत्ता है, और जो विश्व है वह किसी भी प्रकार से हमारे हमारी चेतना पर निर्भर नहीं करता। हालांकि विश्व जो है उसका जानना, उसकी नॉलेज होना, वह जो है निश्चित रूप से हमारी चेतना पर निर्भर करता है। किंतु यदि हम विश्व की कुछ वस्तुओं को ना भी जानते हों, तब भी वे स्वतंत्र रूप से उनकी एक स्वतंत्र सत्ता होती है। ऐसा हम रियलिज्म में, हम यथार्थवाद में मान करके चलते हैं। किंतु प्रत्ययवाद में हम जो भौतिकता है उसको प्रत्ययों में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको प्रत्ययों में रिड्यूस कर देते हैं, उनका अपचय कर देते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो 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 संसार की जो भौतिक अवस्थाएं हैं वे बेसिकली हमें प्रत्ययों के रूप में ही प्रदत्त होती हैं, वे हमें प्रत्ययों के रूप में ही प्रदान होती हैं। अर्थात यदि कोई वस्तु के विषय में यदि हम सोचें तो उसका हम अपचय कर सकते हैं विभिन्न प्रत्ययों के रूप में, विभिन्न आइडियाज़ के रूप में। तो जैसे यदि हम कहें कि एक टेबल क्या है, टेबल एक एक इस प्रकार का एक आकार यदि हमें हमारे सामने दृष्ट हो तो, और उसके साथ इस प्रकार का कलर्स यदि दिखाई पड़ रहे हैं, एक अमुक आकार यदि हमें दिखाई पड़ रहा है, तो हम ऐसे जो यदि प्रत्यय, ऐसे आइडियाज़, ऐसे सेंसेशंस यदि हमें हम तक पहुँच रहे हैं, तो हम उन सेंसेशंस को एक इकट्ठा करके उसके जो एग्रीगेट को हम एक नाम दे देते हैं, जैसे कि टेबल। तो इस प्रकार से, हालांकि साथ ही साथ हम ये भी मानते हैं, यदि हम यथार्थवादी हैं तो हम ये भी मानते हैं कि उस टेबल की अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है। किंतु प्रत्ययवादी जो है वह यह युक्ति प्रस्तुत करता है, क्योंकि टेबल जो है उसका होना उस कम्प्लीटली इस रूप पर आधारित है, टेबल का एटलीस्ट हमारे द्वारा जाना जाना कि इस रूप पर, इस बात पर आधारित है कि हमें किस प्रकार के प्रत्यय प्राप्त हो रहे हैं। टेबल के विषय में हमारे पास यदि कोई भी उसके होने का प्रूफ है तो वह हमें केवल प्रत्ययों द्वारा ही जान पड़ता है, हमें केवल आइडियाज, सेंसेशंस द्वारा ही हमारे सो टू स्पीक उस टेबल तक पहुंच होती है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो एक मेंटल कंटेंट हमारे सामने है, जो हमारे सामने जो कुछ मानसिक अवस्थाएं हैं, हमारा विश्व केवल उसी तक ही सीमित है। उससे बाहर वस्तुएं वास्तव में हैं या नहीं, यह प्रूव करने के लिए हमारे पास कोई निश्चित तरीका नहीं है, ऐसा प्रत्ययवादी मानेंगे। तो इस प्रकार से प्रत्ययवाद एक प्रकार का के अपचयवाद पर भी हम कह सकते हैं कि आधारित है, जिसमें हम जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, जो भौतिकता है विश्व की, उसको हम रिड्यूस कर देते हैं, उसका अपचय कर देते हैं प्रत्ययों में। और इससे बिल्कुल विपरीत एक अन्य प्रकार का भी अपचयवाद हो सकता है, जिसमें जो जिसको हम चेतना कह रहे हैं, जिसको हम मानसिक अवस्था कह रहे हैं, जिसको हम मनस कह रहे हैं, उसका हम अपचय भौतिक जो हमारी जो भौतिकता है, हमारे शरीर की जो भौतिकता है, उसका उसमें अपचय कर देते हैं, हम उसको उसमें रिड्यूस कर देते हैं। तो जिस प्रकार से हम देखें कि यदि अगर हम आइडेंटिटी थियोरी को देखें तो वो कई मायनों में हम कह सकते हैं कि वह एक फिजिकल रिडक्शनिस्ट टाइप की अप्रोच है, जहाँ पर हम जो मानसिक अवस्थाएं हैं उनको ब्रेन स्टेट्स के रूप में हम देखना चाहते हैं। जैसे कि प्रत्ययवाद से बिल्कुल उलट, प्रत्ययवाद में हम भौतिकता का जो विश्व की है उसको हम उसका हम फिजिकैलिटी में उसका उसको फिजिकैलिटी जो है विश्व की उसको हम उसका उसका अपचय हम प्रत्ययों के रूप में कर देते हैं। इसका बिल्कुल उलट तादात्म्य सिद्धांत में
हमारी जो एक एक प्रकार से जो मेंटल स्टेट्स हैं, मानसिक अवस्थाएं हैं जिसको हम मनस कहते हैं, हम ये मानते हैं कि उसको हम कम्प्लीटली ब्रेन स्टेट्स के रूप में हम समझा सकते हैं। अर्थात यदि आप खुश हैं तो उसका अर्थ ये है कि आपके ब्रेन की ये स्टेट है। जब भी किसी व्यक्ति की ब्रेन की स्टेट इस प्रकार की होती है तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं कि वह व्यक्ति खुश है। यदि किसी व्यक्ति को कोई अमुक प्रकार का रंग दिखाई पड़ रहा है तो हम स्कैन करके उसके मस्तिष्क को हम जान सकते हैं। यदि वह उसको पेन का अनुभव हो रहा है तो हम उसके ब्रेन का स्कैन करके हम उसकी जो ब्रेन की अवस्था है, उसके जो मस्तिष्क की अवस्था है उसको जान करके उसको हम कह सकते हैं कि ये इस प्रकार की जब भी अवस्था होती है किसी भी व्यक्ति में तो वह पेन में होता है, वह पेन का अनुभव करता है। तो यहाँ पे जो अनुभव हैं उनका अपचय, उनका उनको हम रिड्यूस कर देते हैं फिजिकल अवस्थाओं में। किंतु जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यानों में जाना, इस प्रकार का अपचयवाद जो है वह किसी न किसी समस्या से हम सदैव उसको ग्रस्त पाते हैं। और जैसा कि डेविड चार्मर्स जो कि मनस दर्शन के एक बहुत प्रमुख विचारक माने जाते हैं, उनके अनुसार हम फिजिकल को भौतिकता को हम प्रत्ययों के रूप में समझा सकते हैं और उसके उलट हम कुछ जो 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 हमारी मानसिक अवस्थाएं हैं उनको हम भौतिक रूप में समझा सकते हैं। किंतु जो एक हार्ड प्रॉब्लम जो हमारे सामने हमेशा बनी रहती है वह है कि जो जो रंग का जो अनुभव होता है या कोई भी जिसको हम क्वालिया कहते हैं अंग्रेजी में, और वह उसको समझाना, उसको कम्प्लीटली समझा पाना, उसका जो एक 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 फर्स्ट पर्सन अनुभव उसका किस प्रकार से हमारे अंदर उदित होता है, कोई भी इस प्रकार की रिडक्टिव एक्सप्लेनेशन जो है वह उसको समझाने में, इस हार्ड प्रॉब्लम को समझाने में असक्षम रहती है। तो इसके इसके इस उत्तर की खोज में पॉल चर्चलैंड और पेट्रिशिया चर्चलैंड एक अलग उत्तर देते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं जिसको कि एलिमिनेटिविस्ट अप्रोच कहते हैं। तो मनस दर्शन में एक और हम पाते हैं अपचयवादी अप्रोचेस जिसके अंदर की प्रत्ययवाद आ सकता है, जिसमें कि तादात्म्य सिद्धांत, इवन बिहेवियरिज्म टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ये सारी जो जो सिद्धांत हैं ये उस अप्रोच को की ओर अग्रसर होते प्रतीत होते हैं। वहीं एलिमिनेटिविस्ट अप्रोच जो है वहाँ पर हम यह कहना चाहते हैं कि पॉल चर्चलैंड और पेट्रिशिया चर्चलैंड के अनुसार कि जिनको हम मानसिक अवस्थाएँ मानते हैं वह एक्चुअली एक प्योरली एक कल्पना मात्र है, ऐसा करके कुछ कुछ होता ही नहीं है। तो उनके अनुसार जो 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 ये जो बहुत से शब्द जो जो क्योंकि हमारा मानसिक अवस्थाओं में विश्वास होता है, हम मानते हैं कि मानसिक अवस्था जैसी कुछ कुछ वस्तु है और उसको हम फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देने के लिए हम कि हमारा जो हमारे जो हमारी जो भौतिकता है उसकी ओर अग्रसर होते हैं। तो उनके अनुसार यदि हम एक बेहतर होगा कि यदि हम इसको इस प्रकार से समझने की कोशिश करें कि मानसिक अवस्थाओं जैसा माइंड जैसा ऐसा कुछ है ही नहीं, ये केवल हमारे फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन हैं, ये एक फोक साइकोलॉजी एक हमारा जनरली मानने के तरीके हैं जिसको फोक साइकोलॉजी कहा जाता है। और जो हमारे कुछ मानक तरीके होते हैं विचार करने के, हम अक्सर पाते हैं कि आगे चल करके साइंस उन कुछ विचारों को गलत सिद्ध करने में बाद में सक्षम हो जाता है। तो पॉल चर्चलैंड पेट्रिशिया चर्चलैंड के अनुसार वे एक एलिमिनेटिविस्ट अप्रोच की ओर हमें अग्रसर करते हैं जिसमें हमें मनस तथा उससे जुड़ी हुई जो अवस्थाएं हैं उनके विषय में हमें कम्प्लीटली ही एक प्रकार से हमें उस विषय में बोलना ही हमें उस वोकैबुलरी को ही हमें दर्शन की वोकैबुलरी से बाहर कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से एक जो अप्रोच है
वो हमें एलिमिनेटिविस्ट अप्रोच की ओर ले जाती है जिसको कि विलोपनात्मक सिद्धांत कह सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हम अपचयवादी अप्रोचेस जो हैं वो देखते हैं मनस दर्शन के अंतर्गत। किंतु इन्हीं कारणों से एक नए सिद्धांत जो हमारे सामने आता है वह सुपरवीनियंस का सिद्धांत, जिसके विषय में हम अपने पिछले व्याख्यान में भी हमने बात की, जिसके अनुसार हमें जो मनस तथा देह की जो समस्या है, उसके बीच जो समन्वय की जो समस्या है, उसको हमें दो प्रॉपर्टीज के बीच की के 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 संबंध के रूप में देखना चाहिए। जैसे कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं और उनसे उदित होने वाली कुछ अन्य प्रकार की मेंटल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो उसमें तो ऐसी अवस्था में हम कहते हैं कि जो 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 मेंटल प्रॉपर्टीज हैं जो उदित हुई हैं वे सुपरवीन करती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। और यह जो सिद्धांत है वह इसलिए जो चर्चा में आया क्योंकि सर्वप्रथम ये एक नॉन डिडक्टिव थियोरी है, ये एक गैर अपचयवादी सिद्धांत है, क्योंकि यहाँ पर यह नहीं कहा जा रहा कि जो सुपरवीनियंट प्रॉपर्टीज़ हैं अर्थात जो मेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम कम्प्लीटली हम उनका अपचय कर सकते हैं, उनको रिड्यूस कर सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ पे सुपरवीनियंस के अंतर्गत ये नहीं कहा जा रहा है। वहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और मेंटल प्रॉपर्टीज़ की एक अपनी अलग अलग स्वतंत्र सत्ता को हम मान कर चलते हैं। हम केवल इतना मात्र कहते हैं कि जो सुपरवीनियंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो या जो मानसिक अवस्थाएं होती हैं वे सुपरवीन करती हैं, वे किसी प्रकार से जो जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर उसके ऊपर आधारित होती हैं। यानी कि यदि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिनको कि बेस प्रॉपर्टीज़ भी कहा जाता है, इस बेस के कारण ये जो अन्य प्रॉपर्टीज़ हैं ये उसके ऊपर बेस्ड होती हैं, उस पर आधारित होती हैं। तो सुपरवीनियंट प्रॉपर्टीज़ जिनको हम आधारित गुणधर्म कह सकते हैं और कुछ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम आधार कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जो सुपरवीनियंट प्रॉपर्टीज अर्थात जो मानसिक अवस्थाएं होती हैं उनका आधार मान करके चलते हैं और जो सुपरवीनियंट प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम आधारित गुणधर्म मान करके चलते हैं। तो इस प्रकार से एक तो हम ये जो इस सिद्धांत का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वह ये है कि एक तो ये एक गैर अपचयवादी सिद्धांत है, नॉन रिडक्टिव थियोरी है, और दूसरा ये फिजिकलिज्म को यानी कि पदार्थवाद को या भौतिकवाद को रिडक्शनिज्म की ओर ना अग्रसर करते हुए भी फिजिकलिज्म को इंटैक्ट, फिजिकलिज्म को बनाए रखने में सक्षम है। क्योंकि अदरवाइज हमने जैसे कि देखा यदि एलिमिनेटिव अप्रोच को, यदि विलोपनात्मक अप्रोचेस को यदि हम छोड़ दें, एलिमिनेटिव फिजिकलिज्म को यदि हम छोड़ दें, तो अधिकतर जो बाकी जो सिद्धांत हैं मनस दर्शन के पाश्चात्य दर्शन में वे सभी फिजिकलिज्म पर आधारित हैं, वे पदार्थवादी मेनली मटेरियलिस्ट थियोरीज हैं। तो उसको देखते हुए जो सुपरवीनियंस है, एक ओर तो ये जो अपचय गैर अपचयवादी सिद्धांत है अर्थात जिस प्रकार का अपचयवाद हम अन्य सिद्धांतों में देखते हैं वही अपचयवाद हमारे सामने सुपरवीनियंस थ्योरी में नहीं दिखाई पड़ता, वहीं ये फिजिकलिज्म को यानी कि पदार्थवाद को भी इंटैक्ट रखता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये फिजिकलिस्ट थियोरी है, ये भौतिकवादी थियोरी है। भौतिकवादी थियोरी से हमारा क्या अर्थ है? भौतिकवादी थियोरी से हमारा ये अर्थ है कि हम कोई भी जो फिजिकल जो हम ये मान करके चलते हैं कि जिनको भी हम फैक्ट्स मानते हैं, जिनको भी हम तथ्य मानते हैं विश्व के, हम उनका जो बेसिक नेचर है वह पदार्थवादी है। अर्थात
वर्ल्ड में जो भी संसार में जो भी कुछ हो रहा है वह जो जिसके अंदर की, या जब हम संसार की बात कर रहे हैं तो वहाँ उसमें दो प्रकार के तथ्य हैं, एक तो जो भौतिक तथ्य हैं और एक कुछ मानसिक तथ्य हैं। तो हम फिजिकलिज्म के अंतर्गत हम ये मान करके चलते हैं कि यदि हम विश्व के भौतिक स्वरूप को उसकी संपूर्णता के साथ यदि हम समझ लें तो हम ना केवल भौतिक तथ्यों को समझ जाएंगे बल्कि हम संसार के जो मानसिक तथ्य हैं, जो गैर भौतिक तथ्य हैं, हम उनको भी समझने में सक्षम हो जाएंगे। तो सुपरविनियंस थ्योरी के अंतर्गत एक डिपेंडेंस जो है, एक आधार हम ये मान करके चलते हैं कि मेंटल थ्योरीज जो हैं वो डिपेंड करती हैं फिजिकल थ्योरी पे, लेकिन ये एक प्रकार का रिडक्शनिज्म नहीं है। तो इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स इकट्ठे होने के कारण सुपरविनियंस सिद्धांत, तो इस प्रकार से ये सुपरविनियंस सिद्धांत जो है बहुत सी ऐसी समस्याएं जो अन्य सिद्धांतों में हैं उससे अपने आप को दूर रख पाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सुपरविनियंस सिद्धांत है वह माइंड बॉडी प्रॉब्लम को समझाने में काफ़ी हद तक जो है, और बहुत सी समस्याएं जो अन्य सिद्धांतों में उनसे स्वयं को दूर रख पाने में सक्षम है। किंतु सुपरविनियंस सिद्धांत के भी दो प्रारूप हो सकते हैं, क्योंकि हाँ यहाँ पर हम केवल ये कह रहे हैं सुपरविनियंस सिद्धांत में कि जो जो मेंटल प्रॉपर्टीज हैं, जो मानसिक जो गुणधर्म हैं, वे फिजिकल प्रॉपर्टीज पर आधारित होते हैं, लेकिन किस प्रकार से आधारित होते हैं यह भी एक बड़ा प्रश्न है। जब हम यह प्रश्न पूछते हैं कि ये जो एक डिपेंडेंस है, अर्थात जो मानसिक अवस्थाएं हैं, क्योंकि वे हमारी हमारी भौतिकता पर निर्भर करती हैं, तो ये किस प्रकार की डिपेंडेंस है, ये किस प्रकार से ये किस प्रकार से दोनों जो हैं एक दूसरे पर आधारित होता, जो मेंटल प्रॉपर्टीज हैं वो किस रूप से फिजिकल प्रॉपर्टीज पर आधारित होती हैं, यह जो है एक बड़ा प्रश्न है। इसके उत्तर में हम पाते हैं कि ये दो प्रकार से जो ये जो अलग ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपस में जुड़ी हो सकती हैं, जिसके अंतर्गत एक तो है जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग साइकोफिजिकल सुपरविनियंस, और एक जिसको हम कहते हैं वीक सुपरविनियंस। तो वीक सुपरविनियंस के अंतर्गत हम ये मान करके चलते हैं कि जो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वे किसी अनिवार्य रूप से हमारे जो मानसिक अवस्थाएं हैं उनसे नहीं जुड़ी होती, बल्कि केवल एक कंटिंजेंट रूप से, एक गैर अनिवार्य रूप से जो हमारी जो मानसिक प्रॉपर्टीज जो हैं, मानसिक अवस्थाएं जो हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टी से जुड़ी होती हैं। इसके लिए हमें इन दो शब्दों का अर्थ समझना होगा, जो कि हैं कंटिंजेंट और नेसेसरी। जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि यदि हम भाषा को देखें तो उसमें दो प्रकार की प्रपोजिशंस हो सकती हैं, एक तो एनालिटिक प्रपोजिशंस जिसमें कि जो जो कि ट्रू होती हैं, जो जिनका कि सत्य जो है केवल शब्द के अर्थ पर ही निर्भर करता है, शब्द के अर्थ से हमें बाह्य जगत की ओर रुक करने की आवश्यकता ही नहीं होती। वहीं दूसरी ओर जिनको हम कहते हैं सिंथेटिक प्रपोजिशंस, वे किसी न किसी उनका जो सत्य है तथ्यों के पर आधारित होता है। यदि हम उन प्रपोजिशंस को कहें तो उनका जो सत्य है वह
जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है संसार में उस पर निर्भर करेगा। यानी कि यदि हम कहें कि बाहर वर्षा हो रही है तो इसका सत्य इस बात पर निर्धारित होगा कि वास्तविकता में यह ऐसा तथ्य है या नहीं, और यदि ऐसा नहीं है तो हम बाहर जा कर के इसको चेक कर सकते हैं और हमें यदि हम देखें कि वर्षा नहीं हो रही है तो ये वाक्य गलत होगा। और यदि हमें हमारे अनुभव में ये प्रदत्त होता है कि वास्तविकता में बाहर वर्षा हो रही है तो तब यह तथ्य, यह जो प्रपोजिशन है, यह वह सही होगा। किंतु जो नेसेसरी जो रिलेशन जो प्रपोजिशंस होती हैं, एनालिटिक जो प्रपोजिशंस होती हैं, उनका तथ्य केवल जो वस्तु की डेफिनेशन, उसकी परिभाषा पर निर्भर करता है। उसी आधार पर जो आधार आधार जो बेस प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसको हम सुपरवीनियंस के अंतर्गत कहते हैं, वो जो सुपरवीनियंट प्रॉपर्टीज़ हैं, हो सकता है वे आपस में एक वीक रूप से, एक कमज़ोर रूप से जुड़ी हों, जिसका अर्थ ये होगा कि ये बाय चांस इस तरीके का है कि जो यदि इस प्रकार का फिजिकल बेस हो, इस प्रकार का फिजिकल आधार यदि हो, तो इस प्रकार की जो मेंटल प्रॉपर्टीज हैं वे उदित होती हैं। किंतु इसके अंदर कोई अनिवार्यता नहीं है, अर्थात इसके अलग भी यदि कुछ होने की संभावना जो है उसके विषय में सोचा जा सकता है। जैसे कि यदि हम कहें कि हम कि आज जो है कोई व्यक्ति पॉलिटिकल साइंस की ओर अपना पूरा ध्यान दे रहा है, किंतु यदि वो कहे कि मैं 5 वर्ष बाद अपने आप को एक आर्टिस्ट के रूप में देखना चाहता हूँ, तो इसके अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। 5 वर्ष बाद वह अपने आप को एक आर्टिस्ट के रूप में बना सकता है, भले आज उसका उसके विषय में तथ्य कुछ और है, किंतु 5 वर्ष बाद वह हम उसको वैसे इसकी संभावना है कि वह एक आर्टिस्ट हो। या इसके यदि हम टाइम की बात ना करके यदि हम स्पेस की बात करें, तो यदि हम कहें कि यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति एक दार्शनिक है, तो वहीं किसी कोई ऐसा विश्व में कोई ऐसी जगह भी हो, किसी अन्य पॉसिबल वर्ल्ड में वह व्यक्ति आर्टिस्ट हो सकता है, ऐसा सोचने में कोई किसी भी प्रकार का कोई तार्किक व्याघात नहीं होता, इसके अंदर कोई लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं उदित होती। ऐसा हो सकता है कि वह व्यक्ति किसी अन्य संसार में दार्शनिक ना होकर के एक आर्टिस्ट हो, एक कलाकार हो। तो इस प्रकार के यदि रिलेशनशिप है बेस प्रॉपर्टीज में और जो सुपरवीनियंट प्रॉपर्टीज हैं उनके बीच में, तो ये एक अलग प्रकार की साइकोफिजिकल सुपरवीनियंस कहलाएगी। और इसके विपरीत स्ट्रॉन्ग सुपर, अगर उनके बीच में एक अलग प्रकार का अनिवार्यता के साथ जो रिलेशनशिप है, कंटिंजेंसी का रिलेशन ना होकर के यदि एक अनिवार्य संबंध है, तब एक अलग प्रकार के सुपरवीनियंस के विषय में हमें सोचना होगा। तो अब स्ट्रॉन्ग सुपरवीनियंस से हमारा क्या अर्थ है? स्ट्रॉन्ग सुपरवीनियंस से हमारा अर्थ है कि जिस प्रकार से बहुत सी प्रतिज्ञप्तियाँ जो होती हैं उसमें जो 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 उसका जो उसकी जो सत्यता होती है वह कंप्लीटली शब्द के अर्थ पर आधारित होती है। अब जैसे कि यदि हम कहें कि ट्रायंगल्स के विषय में बात करें, यदि हम त्रिभुजों के विषय में बात करें, तो कहीं पर भी हम चाहे इस विश्व की बात करें या हम 5 साल बाद की बात करें, तो हम ये नहीं कह सकते कि आज मैं त्रिभुज की कल्पना कर रहा हूँ 3 भुजा वाले एक आकार के रूप में, किंतु 5 साल बाद मैं त्रिभुज को चौकोर रूप में मैं उसकी कल्पना करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर चाहे हम उसके 4 साल बाद की बात करें, चाहे हम 10 साल की बाद की बात करें, चाहे हम 50 साल के बाद की बात करें, त्रिभुज जो है बाय डेफिनेशन हमेशा उसका अर्थ होगा 3 भुजा वाला आकार। तो चाहे वह जबकि जैसा कि इसके बिल्कुल विपरीत हमने कहा, जैसा कि हमने जाना, यदि मैं कहूं कि 5 साल बाद मैं स्वयं को एक आर्टिस्ट के रूप में देखना चाहता हूं, तो इसमें यहां पर किसी प्रकार का कोई लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होती, ऐसा संभव है।
वहीं दूसरी ओर यदि हम त्रिभुज के विषय में बात करें, ट्रायंगल के विषय में बात करें, तो वह ट्रायंगल जो है वह थ्री साइडेड फिगर ही रहेगा, चाहे हम उसको उसके किसी भी समय कितने भी समय बाद के बारे में बात कर रहे हों। सिमिलरली यदि हम स्पेशल रूप में यदि हम एग्जांपल्स लें तो ट्रायंगल चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे चंद्रमा पर हो, चाहे किसी भी अलग पॉसिबल वर्ल्ड में हो, ट्रायंगल जो है उसके जो जो कोणों का जो टोटल है वह 180 डिग्रीज ही रहेगा और तथा वह तीन भुजाओं वाला आकार ही रहेगा। तो यदि इस प्रकार के हम रिलेशनशिप मान करके चलें बेस प्रॉपर्टीज़ अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और मानसिक अवस्थाओं के बीच में, तो तब इस प्रकार के रिलेशनशिप के साथ, इस प्रकार के अनिवार्यता के साथ यदि हम बेस प्रॉपर्टीज़ और सुपरविनियन प्रॉपर्टीज़ को देखें तो यह इस प्रकार का जो विचार है वह कहलाता है स्ट्रॉन्ग साइकोफिजिकल सुपरविनियंस। इन दोनों ही प्रकार की सुपरवीनियंस के विषय में किस प्रकार के आक्षेप उठाए जा सकते हैं, इन विषय में हम बात करेंगे अब थोड़ी देर बाद। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, वापस आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो सुपरवीनियन सिद्धांत है, जहाँ पर हम ये मान करके चलते हैं कि जो मानसिक अवस्थाएं हैं जिनको हम मेंटल प्रॉपर्टीज या मानसिक गुणधर्म कह सकते हैं, वे फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर आधारित होते हैं, अर्थात उन पर सुपरवीन करते हैं, और जो एक बेस जो प्रोवाइड किया जाता है उसको वह फिजिकल प्रॉपर्टीज द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर हमने देखा कि जो ये सुपरवीनियंस का जो रिलेशन है, सुपरवीनियंस का जो संबंध है, उसको समझने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक ये कि जो बेस प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंटिनजेंटली अनिवार्यता के साथ नहीं, गैर अनिवार्य रूप से जो सुपरवीनियन प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे जुड़ी होती हैं, उनका उनके लिए एक आधार तैयार करती हैं। अर्थात जो सुपरवीनियन प्रॉपर्टीज़ हैं वे एक गैर अनिवार्य रूप से बेस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आधारित होती हैं, किंतु कहीं कुछ अन्य अवस्थाओं में किसी अन्य यदि स्पेस और टाइम को चेंज कर दिया जाए तो ये जो अवस्थाएं हैं उनमें बदलाव संभव भी हैं। तो जो यदि जो मतलब कुछ कुछ जो जो बेस प्रॉपर्टीज़ हैं, यदि हम कहें कि किसी और पॉसिबल वर्ल्ड में यही बेस प्रॉपर्टीज़ कुछ अन्य सुपरवीनियंट प्रॉपर्टीज़ को जन्म दे सकती हैं, या 5 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद हम कुछ एक अलग प्रकार का जो एक अलग प्रकार का संबंध दोनों के बीच में देख सकते हैं। अर्थात वही फिजिकल बेस जो है हो सकता है कुछ काफ़ी लंबे अंतराल के बाद कुछ अन्य एक अलग प्रकार के सुपरवीनियंट प्रॉपर्टीज़ को जन्म दे। यदि इस प्रकार का एक गैर अनिवार्य संबंध के रूप में हम सुपरवीनियंस को देखें
तो एक एक अलग प्रकार का वह विचार प्रस्तुत होता है। वहीं दूसरी ओर जो स्ट्रॉन्ग सुपरवीनियंस है उसमें हम ये मान करके चलेंगे कि जिस प्रकार से जो जैसे त्रिकोण है, चाहे वह 100 साल बाद की बात भी हम करें तो उस समय भी त्रिकोण जो है वह 3 कोणों वाले आकार को ही कहा जाएगा। यदि हम अन्य ग्रहों की भी बात करें, किसी भी पॉसिबल वर्ल्ड की बात करें, चाहे हम चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा पर भी त्रिकोण जो है वह एक ऐसे आकार को ही कहा जाएगा जिसके अंदर की 3 कोण हों या तथा जिसकी 3 भुजाएं हों। तो इस प्रकार से क्योंकि यदि हम इस प्रकार का एक अनिवार्य संबंध हम मान करके चलें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बीच में और जो मेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बीच में, तो ये एक अलग प्रकार का रिलेशन जो है कहलाएगा, जिसको कि हम स्ट्रॉन्ग सुपरवीनियंस का नाम देते हैं। अब यदि क्योंकि सर्वप्रथम हमने ये समझने की कोशिश की कि सुपरवीनियंस सिद्धांत है क्या, फिर बाद में जब हमने यह प्रश्न उठाने की चेष्टा की कि इस प्रकार का संबंध जो है वह उसका स्वरूप क्या है, तो जब हमने उस दिशा की ओर हमने जब विश्लेषण शुरू किया तो हम पाते हैं कि ये अलग अलग प्रकार से इसको उस रिलेशनशिप को समझा जा सकता है। और जब हम इसको इन 2 प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं और जैसे कि हम देख ही सकते हैं कोई एक अन्य तीसरा प्रकार से समझना इसको कठिन है, तो प्रमुख रूप से ये 2 ही तरीके हैं सुपरवीनियंस को समझने के, उसको या तो कंटिंजेंट गैर अनिवार्य संबंध के रूप में देखें या उसको एक ठोस अनिवार्य संबंध के रूप में देखें। किंतु एक एक बहुत जो सुपरवीनियंस सिद्धांत के विषय में जो एक निरंतर आक्षेप करते हुए जो विचारक हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं वे हैं जिगवन किम। जो किम हैं वे कहते हैं कि चाहे हम सुपरवीनियंस को, चाहे उसको हम उसकी हम वीक सुपरवीनियंस की बात करें या चाहे हम स्ट्रॉन्ग सुपरवीनियंस की बात करें, दोनों ही रूपों में हम पाएंगे कि कुछ प्रश्न खड़े होते हैं जिनका कुछ समस्याएं हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं जिनका कोई बहुत सटीक उत्तर दे पाना हमारे लिए कठिन है। वे कहते हैं कि यदि हम सुपरवीनियंस सिद्धांत को एक गैर अनिवार्य संबंध के रूप में, सुपरवीनियंस को यदि हम एक गैर अनिवार्य संबंध के रूप में देखना चाहें, तो तब गैर अनिवार्य संबंध जो है दोनों के बीच में कोई एक डायरेक्ट रिलेशनशिप पर आधारित हो ऐसा आवश्यक नहीं है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि बहुत सारे एग्जांपल हमारे सामने हो सकते हैं, जैसे कि यदि हम माने कि कोई व्यक्ति यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर मानसिक एक पर्टिकुलर फिजिकल अवस्था में है और हम उससे जुड़ी हुई उसकी कुछ पर्टिकुलर मानसिक अवस्थाएं हैं, किंतु वही व्यक्ति यदि किसी और वर्ल्ड में हो तो हो सकता है कि उसके जो बेस प्रॉपर्टीज़ हैं और उसकी जो मेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं वे अलग अलग हों, अर्थात वे फिजिकल बेस यदि वही रहे उसके बावजूद हो सकता है कि कुछ अन्य प्रकार की जो मेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं उससे उस वहाँ पर उदय होता हो। इसको हम कुछ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे कि यदि हम फिजिक्स में देखें तो मास एंड वेट ये एक 2 अलग अलग प्रकार के माप होते हैं। जो वस्तु का माप जो है वह उसके उसकी इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी होता है, अर्थात जो प्रत्येक यानी कि एटम को यदि हम उसके उसके भार के रूप में देखें तो उसका जो एक इंट्रेंसिक उसका जो एक आंतरिक जो 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 एक एक बेस होता है उसको हम उसका मास कहते हैं, जबकि जो जो भार होता है जिसको हम वेट कहते हैं वह ग्रेविटी के सापेक्ष होता है, अर्थात किसी जो वस्तु का मास तो हमेशा वही रहेगा किंतु उसका जो वेट है कुछ अन्य फैक्टर्स पर आधारित होता है जैसे कि ग्रेविटी, और वह किसी और अन्य वर्ल्ड में वह कुछ और हो सकता है हालांकि फिजिकल बेस वही का वही है। तो इस प्रकार से क्योंकि वीक सुपरवीनियंस
का जो जो संबंध है उसमें हम जो बेस प्रॉपर्टीज़ और जो सुपरवीनियंट प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर हम कोई एक अनिवार्य नेसेसरी रिलेशन नहीं मान करके चलते हैं। तो उसका अर्थ ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होते हुए भी किसी अन्य वर्ल्ड में वे उसकी जो जो सुपरवीनियंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग हो सकते हैं। इसके अंदर कोई भी एक व्याघात, कोई भी लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन हमारे सामने नहीं प्रस्तुत होती। तो उसी दिशा में किम कहते हैं कि यदि हम सुपरवीनियंस को एक गैर अनिवार्य संबंध के रूप में देखें तो यहाँ पर समस्या यह उत्पन्न होती है कि जरूरी नहीं है उस केस में कि जो बेस प्रॉपर्टीज़ हैं वे किसी भी डायरेक्ट रूप से, किसी भी परोक्ष रूप से जो सुपरवीनियंट प्रॉपर्टी से जुड़ी हों। हो सकता है कि कुछ अन्य फैक्टर्स हों, जैसा कि हमने भार के विषय में देखा, जो वेट है वह वस्तु से जुड़ा होता है किसी एक अन्य फैक्टर के थ्रू जो कि है ग्रेविटी। यानी कि मास यदि सेम हो और वेट को यदि उसकी सुपरवीनियंट प्रॉपर्टी के रूप में देखा जाए, क्योंकि जो मास है वो आधार प्रस्तुत कर रहा है हमारे सामने और जो वेट है वो उस पर आधारित प्रॉपर्टी है, किंतु क्योंकि उनके बीच में कोई एक अनिवार्य संबंध नहीं है, कोई आंतरिक अनिवार्य संबंध नहीं है, तो हम पाते हैं कि वो उनके बीच में, क्योंकि यदि किसी अन्य वर्ल्ड में हम देखें तो उसके बीच में एक इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड होते हुए एक ही मास के अलग अलग वेट हो सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम सुपरवीनियंस सिद्धांत को एक गैर अनिवार्य या वीक सुपरवीनियंस के रूप में समझें तो तब दोनों के बीच में, यानी कि बेस प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तथा सुपरवीनियंट प्रॉपर्टीज़ या मेंटल प्रॉपर्टीज़ के बीच में कोई अनिवार्य सीधा संबंध हो, ऐसा जरूरी नहीं है। वह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि उसके बीच में कुछ इंटरमीडिएट फैक्टर्स भी हो सकते हैं और यदि वह गैर जरूरी है, और उस केस में हमें मानना होगा कि उन दोनों प्रॉपर्टीज़ के बीच में कोई भी परोक्ष, कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं हो सकता है ना हो, बल्कि एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि डिपेंडिंग ऑन अ थर्ड एक्सटर्नल फैक्टर, दोनों जो हैं कि किसी एक संबंध में बीच में आते हों। तो इस प्रकार से वीक सुपरवीनियंस जो है इन दो किन्हीं भी जो सुपरवीनियंट और बेस प्रॉपर्टीज़ के बीच में कोई भी डायरेक्ट संबंध समझाने में असक्षम है, यदि हम सुपरवीनियंस को उसकी वीक सेंस में समझने की कोशिश करें। वहीं अब हमें ये ऐसा लग सकता है कि इसका अर्थ ये हुआ कि जो स्ट्रॉन्ग सेंस है एटलीस्ट उसमें, कम से कम यदि हम सुपरवीनियंस सिद्धांत को उसकी स्ट्रॉन्ग सेंस में समझें तो शायद ये समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न नहीं होंगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेंस में हम ये मानते हैं कि एक आंतरिक तथा एक अनिवार्य संबंध दो प्रॉपर्टीज़ के बीच में हैं। जब मनस सिद्धांत के अंतर्गत हम ये मानेंगे कि जो मेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मानसिक अवस्थाएँ हैं, वे फिजिकल अवस्थाओं पर पूर्ण रूप से आधारित होती हैं और अनिवार्य रूप से आधारित होती हैं। अर्थात हम यदि एक एक सेट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है तो चाहे हम चंद्रमा पर चले जाएँ, चाहे हम किसी भी प्लैनेट पर चले जाएँ, उससे जुड़ी हुई जो सुपरवीनियंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो वैसी की वैसी ही रहेंगी। जैसा कि जो मास है वह कहीं पर भी हम ले जाएं, क्योंकि मास जो है एक आंतरिक अवस्था है किसी वस्तु की जो कि बदलती नहीं है, उसके एटम्स पर आधारित है वो। किंतु जो वेट है वो एक अलग प्रकार की एक प्रकार से प्रॉपर्टी है जो कि बदल सकती है। तो इस प्रकार से यदि हम माने मास की तरह, यदि हम यह मान करके चलें कि कुछ इस प्रकार की प्रॉपर्टी है जो कि सुपरवीनियंस उस प्रकार से एक अनिवार्य रूप से संबंध है किन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ के बीच में जो कि कभी बदलेगा नहीं, तो तब शायद ये समस्या सॉल्व हो जाए। किंतु यदि हम स्ट्रॉन्ग सुपरवीनियंस को स्ट्रॉन्ग सेंस में, स्ट्रॉन्ग अर्थों में यदि समझने की कोशिश करें, तब भी हम पाते हैं, जिगोन किम जो है हमें समझाते हैं कि तब भी हमारे सामने कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वे सर्वप्रथम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग सुपरवीनियंस को समझने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं।
वे तरीके, तीन तरीके क्या हैं? एक तरीका तो ये है कि हम ये मान करके चलें कि क्योंकि जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान में जाना कि एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है सुपरवीनियंस में वो है कोवेरिएशन। यदि बेस प्रॉपर्टीज़ में कोई वेरिएशन होता है, यदि उसके भौतिक स्वरूप में कोई वेरिएशन होगा, तो मेंटल प्रॉपर्टीज़, उसकी जो सुपरवीनियंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें भी बदलाव आएगा। सो कुछ ऐसे समझें, यदि हम जो किसी भी मशीन का जो फिज़िकल बेस है, जैसे कि जो स्मार्टफोन्स हैं उसका जो एक फिज़िकल बेस है, यानी कि उसके अंदर कुछ एक फिज़िकल कलपुर्जे लगे हुए हैं, यदि उनके स्वरूप में हम जरा सा भी अंतर कहीं पर लाएंगे, तो जो उसकी फंक्शनिंग है स्मार्टफोन की, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। तो इस प्रकार से यदि हम समझें कि जो सुपरवीनियंस को एक एक इस सेंस में कि किसी भी प्रकार का जो एक कोवेरियंस का जो सिद्धांत है सुपरवीनियंस का एक 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 प्रमुख अवयव है, तो जो कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जब कभी भी बदलाव आएगा तो सुपरवीनियंट प्रॉपर्टीज़ में भी साथ ही साथ बदलाव आएगा। तो यदि हम स्ट्रॉन्ग सुपरवीनियंस को इस तरीके से समझें कि जो मेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करती हैं और साथ ही साथ कोवेरी करती हैं, अर्थात उनके उनमें साथ साथ ही बदलाव होता है। यदि फिज़िकल बेस में बदलाव होगा तो मेंटल प्रॉपर्टीज़ में भी बदलाव होगा। एक तरीका तो ये है इसको हम स्ट्रॉन्ग सुपरवीनियंस को समझने का, किंतु यदि एक यही प्रकार होता उसको समझने का तो हमारे सामने समस्या का कोई इतना कारण नहीं था। किंतु स्ट्रॉन्ग सुपरवीनियंस को समझने के दो अन्य तरीके भी हैं, क्योंकि यदि हम कोवेरियंस की बात करें तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि यदि कुछ मानसिक अवस्थाओं में यदि बदलाव हो तो फिजिकल बेस में भी बदलाव होगा। जैसे कि इसको कुछ इस प्रकार से भी समझा जा सकता है, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत से कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो अब हमारे सामने ऐसे बहुत से तथ्य मौजूद हैं कि कुछ जो केमिकल डिस्टर्बेंसेस होती हैं ब्रेन में, वे कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को, कुछ साइकोलॉजिकल मानसिक समस्याओं को जन्म देती हैं। तो कुछ जो फिज़िकल केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ के वेरिएशन के रूप में हम कुछ मानसिक समस्याओं को समझ सकते हैं, और उससे जुड़ा हुआ जो बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, उसको हम इस रूप में देख सकते हैं क्या। किंतु यदि यह एक अनिवार्य रिलेशनशिप है तो क्या यह दूसरी दिशा से भी होल्ड करता है, अर्थात यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवहार में बदलाव ले आए तो क्या उसकी जो फिजिकल अवस्था है, अर्थात वह अपने व्यवहार को बदल दे, जैसे कि कुछ मानसिक समस्याओं के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों के व्यवहार जो है वह बदल सकता है, तो उसको हम समझ लेते हैं एक कुछ केमिकल चेंजेस के अंतर्गत। किंतु क्या हम इसका उलट भी कह सकते हैं, क्या हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर यदि इस प्रकार का जो उसके व्यवहार में बदलाव अगर लाया जाए तो उसके अंदर इस केमिकल्स की कमी हो जाएगी या इन केमिकल्स की अधिकता हो जाएगी, क्या ऐसा भी कहा जा सकता है? यदि हाँ, यदि ये कोवेरिएशन जो है, यदि वह ना केवल फिजिकल से मेंटल की ओर हो बल्कि कुछ मेंटल वेरिएशन से फिजिकल वेरिएशन भी होने लगे, तो तब यदि इस प्रकार की कोवेरियंस भी संभव है तो ये जो इस पर यदि सिद्धांत को हम इस प्रकार से समझें तो यह फिजिकलिज्म को चुनौती देता प्रतीत होता है, क्योंकि फिर हम फिजिकलिज्म के दायरे से बाहर जाते हुए प्रतीत होते हैं। किंतु क्योंकि हमें उस स्थिति में हमें यह कहना होगा कि जो जो एक तरीके से बेस जो है वह शिफ्ट हो जाएगा मानसिक अवस्थाओं की ओर, क्योंकि फिर हमें यह कहना होगा कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको कि हम बेस प्रॉपर्टीज़ मान करके चलते आए थे, यदि वे बदल सकती हैं मानसिक प्रॉपर्टीज़ मानसिक अवस्थाओं के कारण, तो तब हमें यह कहना होगा कि मानसिक अवस्थाएं जो हैं एक प्रकार से वे बेस प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं और जो दूसरी हैं वो सुपरवीनियंट हो जाएंगी। तो इस प्रकार से फिजिकलिज्म के दायरे से फिर हम बाहर चले जाएंगे, क्योंकि फिर हम ये मान लेंगे कि जो मेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंट्रोल कर रही हैं
फिजिकल प्रॉपर्टीज को, जो कि फिजिकलिज्म के बिल्कुल विपरीत है। तो इस प्रकार से यदि हम सुपरवीनियंस को एक फिजिकलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम इसको, जैसा कि हमने सर्वप्रथम ही जाना कि सुपरवीनियंस का जो एक 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 जो उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है जिसके कारण उसको इतना महत्व दिया जाता है, वह यह है कि एक तो ये गैर अपचयवादी सिद्धांत है, यह नॉन रिडक्शनिस्ट थियरी है, और साथ ही साथ यह एक फिजिकलिज्म को यानी कि पदार्थवाद को, भौतिकवाद को बनाए रखती है रिडक्शनिज्म से बचते हुए, क्योंकि अन्य जो थियरीज हैं वो रिडक्शनिज्म, उनमें किसी न किसी प्रकार का रिडक्शनिज्म हमारे सामने आता है यदि हम एलिमिनेटिव फिजिकलिज्म को छोड़ दें तो। तो यहाँ पर हम पाते हैं यदि हम स्ट्रॉन्ग सुपरवीनियंस को यदि हम दूसरे तरीके से समझें कि ना केवल जो मेंटल प्रॉपर्टीज हैं वो को वेरी करती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ, बल्कि यदि मेंटल प्रॉपर्टीज बदलें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बदलेंगी। यदि हम इसको एक दोनों ओर से हम होता हुआ जो दोनों ओर से पूरक होता हुआ सिद्धांत यदि हम माने, तो हम पाते हैं कि यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि फिर ये जो ये नॉन रिडक्शनिस्ट अकाउंट तो रहा, किंतु फिर ये फिजिकलिस्ट अकाउंट ना रहा, फिर यह एक जो फिजिकलिज्म का जो की जो एक अनिवार्य शर्त थी उसको पूरा करता हुआ यह सिद्धांत हमें नहीं जान पड़ेगा। तो इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग सुपरवीनियंस जो कि हमें लगता था कि जो 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 कि वह उस समस्या को जो कि वीक सुपरवीनियंस में हमारे सामने प्रस्तुत होती है, हमें लगता था कि स्ट्रॉन्ग सुपरवीनियंस में नहीं होगी, ऐसा मानना हमारा गलत होगा। किंतु समस्या यहीं समाप्त नहीं होती। जगवंकिन के अनुसार सुपरवीनियंस को स्ट्रॉन्ग सेंस में समझने का एक तीसरा तरीका भी हो सकता है। वे एक एग्जांपल देते हैं उसके लिए। किम कहते हैं कि यदि हम मान लीजिए किन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ के बीच में के विषय में बात करें, जनरली हम जैसे कि एक एक मानसिक प्रॉपर्टी हो सकती है, मानसिक अवस्था हो सकती है इंटेलिजेंस, जो कि जुड़ी हुई है दक्षता, जिसको हम डेक्सटेरिटी कहते हैं, उससे, यानी कि किसी व्यक्ति का समझदार होना उसके दक्ष होने से जुड़ा होता है। यदि अपना आप कोई भी कार्य, चाहे उसमें पढ़ाई का कार्य हो, चाहे उसमें आप मैथमेटिक्स की मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत दक्ष हो सकते हैं, बहुत डेक्स्ट्रस हो सकते हैं, आप किसी फिजिकल काम को करने में बहुत डेक्स्ट्रस हो सकते हैं, से फॉर एग्जांपल आप हो सकता है एक कंप्यूटर हार्डवेयर को बहुत अच्छे से समझते हों और उसमें बहुत दक्ष हों। तो यदि आप किसी कार्य में बहुत दक्ष हैं तो प्रायः आपके विषय में ही कहा जाएगा कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत समझदार हैं। अर्थात इंटेलिजेंस और दक्षता, डेक्सटेरिटी, ये दोनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अर्थात इंटेलिजेंस जो है दक्षता पर निर्भर करती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी कार्य में दक्ष ना हो और फिर भी कोई व्यक्ति आप कहे कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जो इंटेलिजेंस है वह आपकी दक्षता पर आधारित होती है। किंतु यदि हम इंटेलिजेंस और दक्षता जो है वह एक एक फिजिकल प्रॉपर्टी हुई, आप अपने कार्य को कितनी बखूबी आप उसको करने में सक्षम है, और इंटेलिजेंस जो है वह आपकी एक मेंटल प्रॉपर्टी हुई, आपके दिमाग से जुड़ी हुई एक प्रॉपर्टी है। किंतु और अब यदि हम इसको अंदर मान लें कि सुपरवीनियंस का रिलेशनशिप है, तो हम ये मानेंगे कि यदि आप दक्ष हैं तो इंटेलिजेंस सुपरवीनियंट रूप से, यानी कि आपकी जो इंटेलिजेंस है वह आपकी दक्षता पर निर्भर करते हुए आपके साथ मौजूद है। किंतु किम कहते हैं कि यदि स्ट्रॉन्ग सेंस में हम मान भी लें कि दक्षता और इंटेलिजेंस के बीच में एक अनिवार्य संबंध है, जो कि किसी भी संसार में वैसा ही रहेगा, किसी भी संसार में यदि आप दक्ष हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं, और आप इंटेलिजेंट हैं तो आप दक्ष हैं, यदि हम ये मान लें तो भी एक
पॉसिबिलिटी, एक संभावना ये बनी रहती है कि ये दोनों ही प्रॉपर्टीज जो हैं आपस में सीधे रूप से ना जुड़ी हुई हों, बल्कि किसी एक अन्य तीसरी अन्य प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई हों, जैसे कि जेनेटिक प्रॉपर्टी। क्योंकि जैसे जैसे जेनेटिक्स में एडवांसेस हो रहे हैं, हमें पता है कि कुछ जीन्स जो होते हैं, कुछ डीएनए में कुछ जो पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत सी चीज़ों के लिए, जिसके अंदर की केवल शारीरिक अवस्थाएं ही शामिल नहीं हैं, बल्कि कुछ हमारी मानसिक अवस्थाएं भी शामिल हैं। कुछ पर्टिकुलर जीन्स यदि हमारे अंदर हैं तो वे बहुत सी समस्याओं को भी जन्म दे सकते हैं, किंतु उसके विपरीत कुछ यदि अच्छे कुछ स्ट्रक्चर्स, डीएनए स्ट्रक्चर्स हमारे अंदर मौजूद हैं, तो वे हो सकता है हमें मानसिक रूप से दक्ष बना दें, वे हमें शारीरिक रूप से दक्ष बनाने में सक्षम हो। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़, जिसमें कि एक प्रॉपर्टी फिजिकल है और एक प्रॉपर्टी जो है वो एक प्रकार से मेंटल प्रॉपर्टी है, ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ का जो आधार है वह हो सकता है वह एक अन्य ही आधार हो, जैसा कि हम इस एग्जांपल में, इस उदाहरण में देखते हैं कि यदि इसका अर्थ यह कि सुपरवीनियंट प्रॉपर्टीज़ और बेस प्रॉपर्टीज़ जो आधार गुणधर्म है और आधारित गुणधर्म है, हो सकता है ये दोनों सेट ऑफ प्रॉपर्टीज किसी एक अन्य थर्ड फैक्टर से उदित हो रहे हों। जैसा कि हमने देखा, हो सकता है कोई एक जीन रिस्पॉन्सिबल हो किसी भी व्यक्ति के इंटेलिजेंट होने के लिए और उसके दक्ष होने के लिए, किंतु ये क्योंकि इसकी संभावना पूर्ण रूप से है, किंतु यदि हम इसको इस रूप से समझें तो हम पाएंगे कि बेस प्रॉपर्टीज़ और सुपरवीनियंट प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और जो मेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बीच में जरूरी नहीं है अलग, वो अलग इसके बावजूद कि वो को वैरी कर रहे हैं, यदि एक में अंतर आता है तो दूसरे में भी अंतर आता है, को वेरिएशन होते हुए भी हो सकता है कि वे दोनों ही निर्भर करती हों किसी अन्य तीसरी प्रॉपर्टी पर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिग की जो किम है वे हमें इस ओर इन समस्याओं की ओर हमें दिखाते हैं कि सुपरवीनियंस से जो जुड़ी हुई कुछ समस्याएं जो हैं वे हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं। तो किम के अनुसार सुपरवीनियंस सिद्धांत जो है वह केवल कुछ हद तक ही, वह केवल हमें यह इतना समझाता हुआ प्रतीत होता है कि मेंटल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बीच में यदि को वेरिएशन है तो उसको भी हम एक अलग प्रकार के संबंध के रूप में देख सकते हैं और उसको एक अलग संज्ञा दे सकते हैं सुपरवीनियंस की। किंतु जैसे ही हम एक अन्य प्रश्न पूछते हैं कि सुपरवीनियंस किस प्रकार से संभव होती है, अर्थात ये कैसे संभव होती है, जब हम ये प्रश्न करते हैं, एक प्रश्न है व्हाट इज सुपरवीनियंस, उसको समझाना इतना मुश्किल नहीं है, किंतु हाउ इज सुपरवीनियंस पॉसिबल, सुपरवीनियंस किस प्रकार से संभावित हो पाती है, तो उसके लिए हमें अलग अलग दिशाओं में उत्तर मिलने शुरू होते हैं, जो जिसका कि एक उत्तर हो सकता है सिर्फ वीक सुपरवीनियंस के अंतर्गत, दूसरा उत्तर हो सकता है स्ट्रॉन्ग सुपरवीनियंस के अंतर्गत। किंतु जैसे ही हम ये प्रश्न करते हैं तो हम पाते हैं कि जब हम हाउ वाला प्रश्न को समझाने की कोशिश करते हैं तो तब हमारे सामने दोनों ही उत्तरों में, चाहे वे वीक सुपरवीनियंस सिद्धांत को लें चाहे स्ट्रॉन्ग सुपरवीनियंस सिद्धांत को लें, दोनों ही रूप में हमारे सामने अलग अलग प्रकार की समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न होती हैं सुपरवीनियंस सिद्धांत के अंतर्गत। तो दर्शकों, आज मनस दर्शन के अंतर्गत सुपरवीनियंस सिद्धांत के विषय में आज हम इतनी ही बात करेंगे, किंतु हम मनस दर्शन के विषय में अपनी चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। धन्यवाद मित्रों, हमें आशा है कि हमारी आज की इस परिचर्चा से आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। इसी बात पर हम डॉक्टर वर्मा का भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो यहाँ आए और उन्होंने ये व्याख्यान दिया। मित्रों, में आगे दीजिए, धन्यवाद।